नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाप ब्रेकफास्ट, आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और भारतीय बाजार के लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन सितंबर सीरीज की एक्सपायरी का। और आप देखिए, यहां पर सबसे पहले शुरुआत अगर विदेशी बाजार से करें तो शुरुआती संकेत बेहद कमजोरी के आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एसडीएक्स निफ्टी सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर हम लेके आते हैं। एशियाई बाजार कैसे चल रहे हैं इस पर आप नजर डालिए। करीब 100 अंकों की गिरावट यहां पर 11,035 के लेवल्स पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डाउ फ्यूचर से खरीदारी जरूर देखने को मिली है, लेकिन इसके अलावा तमाम एशियाई बाजार जो है बिकवाली का दबाव झेलते हुए। जापान के बाजार निक्केई भी करीब 150 अंक की गिरावट दिखा रहे हैं। और अगर बीती रात अमेरिकी बाजार की बात करें, टेक शेयरों में भारी बिकवाली जिसके चलते अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। डाउ करीब 525 अंक टूटकर दिन के निचले स्तरों पर बंद हुआ। वहीं नैसडैक में भी करीब 3% की गिरावट ही हाथ लगी। तो ग्लोबल बाजार के संकेत जो है, विदेशी बाजार संकेत जो है बिकवाली की तरफ सुस्ती ज्यादा देखने को मिल रही है। विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं। हांगकांग के बाजार भी देखिए 200 अंकों की गिरावट दिखा रहे हैं। दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ेंगी। उनसे जानेंगे खबरों वाले शेयर्स। और थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर आनंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आज के लिए पहली रणनीति वो हमें बताएंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज काफी सुस्ती देखने को मिल रही है। गुड मॉर्निंग मानसी, बेहद कमजोर संकेत आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल बाजारों का सवाल है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स में आपको हल्की सी बढ़त दिखेगी 50-60 अंकों की, नैसडैक फ्यूचर्स भी थोड़ा सा पॉजिटिव हैं, पर कल शाम जो अमेरिकी बाजारों में एक्शन हुआ उसका पूरा इम्पैक्ट आज आप एशिया के स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी 100 अंक नीचे है, जापान, हांगकांग, शंघाई, बाकी के जितने भी एशिया के बाजार हैं वहां पर भी आपको कमजोरी ही आती हुई दिखेगी इस समय। हुआ यह है कि एक बार फिर से हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में दिग्गज टेक्नोलॉजी शेयर्स में भारी बिकवाली हुई, इससे बाकी सारे सेक्टर्स में भी गिरावट आई। 11 में से 8 सेक्टर्स कल गिरकर ही बंद हुए हैं। और डाउ जैसे कि आप बता रही थी 525 अंक लुढ़का है और दिन के निचले स्तर से पर बंद हुआ। अगर आप दिन की ऊंचाई से देखें तो 700 अंकों से ज्यादा की गिरावट डाउ ने कल देखी है। टेक्नोलॉजी यहां पर सबसे ज्यादा बिकवाली थी और नैसडैक 3% फिसला है। तो अगर आप रीसेंट हाई से नैसडैक पर नजर डालें या इस महीने अगर आप नैसडैक पर नजर डालें तो ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन आ गया है। तो टेक्निकली नैसडैक वापस उस करेक्शन जोन में आपको आते हुए दिख रहा है। इसके अलावा इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर भी दबाव बना रहा। एनर्जी शेयर्स में भी 4% की बिकवाली हमने आते हुए देखी और टेस्ला का शेयर 10% टूटा। हालांकि कल उनका एक बड़ा इवेंट था जहां पर उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स बनाए और काफी बुलिश आउटलुक भी उन्होंने जताया, पर मार्केट्स ने इसको पूरी तरह इग्नोर करा और 10% की गिरावट हुई। आज शाम साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े आएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, देखना पड़ेगा कि यहां से मार्केट्स को कुछ सहारा मिलता है कि नहीं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूरोप के बाजारों को अच्छा प्रदर्शन रहा, हालांकि वहां पर भी हमने देखा कि ऊंचाई से फिसलकर ही बाजार बंद हुए, फिर भी आधे से 1% की तेजी यूरोप के बाजारों में हमने देखी। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में काफी बड़ा उछाल आ रहा है पिछले कुछ दिनों से और ये बरकरार रहा। और सोने में कल फिर से भारी बिकवाली हुई, बल्कि हमने देखा कि सोना तो अब फिसलकर $1,850 के करीब पहुंच चुका है, 2 महीनों के निचले स्तर पर। तो यहां पर नजर जरूर रखनी पड़ेगी। और सोने के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स में चांदी में भी भारी बिकवाली हुई, 4% गिरा है चांदी। अमेरिकी भंडार गिरने से कच्चे तेल को निचले स्तरों पर जरूर सहारा मिलते हुए दिखा है, पर इसके अलावा अगर आप देखें तो हर जगह हमने गिरावट का ही प्रेशर देखा है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विदेशी बाजार के संकेत बेहद सुस्ती के आ रहे हैं, ऐसे में भारतीय बाजार के लिए आज का दिन सितंबर सीरीज की एक्सपायरी का है। और इस एक्सपायरी के पहले जानकारों का क्या मानना है एक बार समझ लेते हैं। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे एक बार बात करेंगे, लेकिन उससे पहले FIs DIIs का फ्लो भी आप समझ लीजिए। कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया ये एक बार देखिए। कैश मार्केट में कल FIIs ने करीब 3,912 करोड़ की बिकवाली की है, वही कैश मार्केट में DIIs ने 1,629 करोड़ की खरीदारी की है। वायदा बाजार में FIIs की तरफ से 2,785 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े हैं। तो क्लियरली कैश मार्केट में FIIs कर रहे हैं बिकवाली, लेकिन वायदा बाजार में FIIs की तरफ से खरीदारी के आंकड़े और कैश मार्केट में भी DIIs कर रहे हैं खरीदारी। बाजार में टर्नओवर एक बार देख लेते हैं, सेगमेंट बेसिस टर्नओवर क्या रहा इसको एक बार समझिए कल के सत्र के लिए। BSE कैश का टर्नओवर 3,000 करोड़ का, वहीं NSE कैश मार्केट का टर्नओवर 57,300 करोड़ का रहा है। और साथ ही BSE वायदा बाजार की अगर बात करें तो 1.46 लाख करोड़ का टर्नओवर यहां पर देखने को मिला है और NSE वायदा बाजार में 2.56 लाख करोड़ का टर्नओवर देखने को मिला है। तो यह है बाजार के कल के टर्नओवर, साथ ही संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। लेकिन अब जान लेते हैं कि वायदा बाजार की जो एक्सपायरी आज होने जा रही है, सितंबर सीरीज की एक्सपायरी जो होने जा रही है, इस पर जानकारों का क्या मानना है। आशीष हमारे साथ जुड़े हैं, आशीष गुड मॉर्निंग, बताएं।
मॉर्निंग मानसी, जब कल देर रात हमने जानकारों से बात की तो लगभग सभी का मानना है कि जो जिस तरीके का डेटा फॉर्मेशन हो रहा है वो काफी कमजोर साइड पर देखने को मिल रहा है। इसका ये असर देखिए आपको एक्सपायरी के दिन भी देखने को मिलेगा, जिसके चलते करीब 37% बाजार के जानकार ये मान रहे कि 11,000 का जो स्तर है इससे बाजार एक बार टेस्ट कर सकता है, हो सकता है कि इसके नीचे फिसलता हुआ नजर आए। करीब 40% ये मान रहे कि 11,000 से लेकर 11,100 की जो छोटी सी रेंज है यहाँ पर आपको एक्सपायरी देखने को मिलेगी, और केवल 24% ये मान रहे कि यहाँ से आपको एक बाउंस देखने को मिलेगा, यानी 11,200 के पार भी निफ्टी जो है जा सकता है। हालांकि इसकी संभावना फिलहाल अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली काफी कम है। निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो ये भी सिमिलर रुझान दिखा रहे हैं, यहाँ पर करीब 45% बाजार का मानना यह है कि 21,000 से लेके 21,300 के बीच में एक्सपायरी होगी। 24% मान रहे कि 21,000 के नीचे भी आपको बाजार फिसलता हुआ नजर आएगा, कल के सत्र में भी 21,000 के नीचे फिसला था, और 31% ये मान रहे कि 21,600 के बीच में भी, क्योंकि गिरावट काफी ज्यादा देखने को मिल रही है तो हो सकता है कि एक्सपायरी से पहले एक बाउंस बैक भी आपको देखने को मिले। कुल मिलाकर मानसी अभी तक का जितना डेटा फॉर्मेशन है नेगेटिव साइड पर ही देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी आपसे जानेंगे ब्रोकरेज हाउसेज के रडार पर कौन से शेयर्स है। लेकिन आप सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार से संकेत सुस्ती के हैं और साथ ही एफआईआई ने कैश मार्केट में बिकवाली की है, हालांकि वायदा बाजार में खरीदारी के आंकड़े हैं। इन तमाम संकेतों को आज के लिए कैसे समझना है, क्योंकि आज सितंबर वायदा सीरीज की एक्सपायरी भी है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग मानसी जी। जो कल कमजोरी हुई अमेरिकी बाजार में तो ये थोड़ी सरप्राइजिंग शॉकिंग है, क्योंकि कल भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 200 अंक मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे, और कल की इंट्राडे रेंज आप देखिए लगभग 800 पॉइंट की रेंज में बाजार ट्रेड करते हुए दिखे, तो रेंज भी बढ़ती हुई दिखी है। मजबूत खुलने के बाद दिन के लोएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुए, थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है, और सबसे बड़ी बात यह कि नैसडेक फिर से आपको करेक्शन जोन में जाने के संकेत दे रहा है, दूसरी बार करेक्शन जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है, तो फिर ये थोड़ी सी चिंता की बात है। तो ग्लोबल संकेत डेफिनेटली कमजोरी की तरफ है। भारतीय बाजार बड़े अहम लेवल के आसपास है जो कि 11,000 का है। 11,000 मेक और ब्रेक है आज के लिए, 11,000 इंट्राडे में ना टूटे या कम से कम क्लोजिंग बेसिस पर 11,000 के नीचे ना बंद हो तब तक ठीक है, नहीं तो उसके बाद मुश्किल बढ़ सकती है। और दूसरा ये कि आज वायदा कारोबार के एक्सपायरी का भी दिन है, तो काफी हद तक उतार चढ़ाव वाला सेशन आज यहाँ पर हो सकता है। तो मेरा ये मानना है 10,950 11,025 दिन के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगी, और ऊपरी स्तरों पर 11,200 11,300 ये 100 पॉइंट की रेंज ऐसी है जहां पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली आने की संभावना है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि 20,820 950 की रेंज सपोर्ट के तौर पर है, लेकिन अगर निफ्टी 11,000 की तरफ बढ़ता है तो फिर हो सकता है बैंक निफ्टी भी थोड़ा आपको नीचे जाता हुआ दिखे, तो अगला सपोर्ट जोन जो दिखेगा वो 20,650 से 20,800 की रेंज का निकल कर आएगा बैंक निफ्टी के लिए। 21,300 21,450 ऊपरी रेंज है जिसके पार निकलना बैंक निफ्टी के लिए भी आज मुश्किल रहेगा। तो मुश्किल भरा ट्रेडिंग सेशन होगा, कमजोर शुरुआत के बाद सबसे इम्पोर्टेंट यही कि क्या हम 11,000 के लेवल को बचा पाते हैं। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहले ही हम आपको ये संकेत दे रहे हैं, आज के संकेत यही है कि ट्रेडिंग सेशन मुश्किल भरा रहेगा, और इसी के चलते कॉशियस ट्रेंड है। वक्त वक्त पर अनिल सर से जो स्ट्रेटजी, जो रणनीति, जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हम आपको बता रहे हैं उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो बेहद ठीक होगा आपके लिए। पहली रणनीति आप देखिए 10,950 से 11,025 की निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन का काम करेगी, 11,200 से 11,300 ऊपरी रेंज जिसको मानकर चले। बैंक निफ्टी 20,650 से 20,800 के सपोर्ट लेवल्स को ध्यान में रखिएगा, 21,300 से 21,450 के ऊपरी स्तर है जिसे आप मानकर चले। सुबह सुबह ही आप देख रहे हैं किस तरह से विदेशी बाजार में हम देख रहे हैं सुस्ती, या कह सकते हैं भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। FISDIS के आंकड़े भी आप देख रहे हैं बिकवाली के जिस तरह से देखने को मिल रहे हैं, FIS कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं। ऐसे में आज आपको सतर्क रहना है, और साथ ही वॉलेटाइल सेशन भी रहेगा क्योंकि मंथली एक्सपायरी का दिन भी है, लेकिन ऐसे में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक एक कर हम आपको सारे विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं, अनिल सर से स्ट्रेटजी क्या है ये समझा रहे हैं। एक बार अब हम जुड़ लेते हैं HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा से, ग्लोबल बाजारों में जो उठा पटक है उन पर बातचीत उनसे करते हैं। शर्मा जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अमेरिकी बाजार में तो भारी बिकवाली देख रहे हैं हम, इनफैक्ट इस महीने नैसडैक करीब 10% तक का करेक्शन दिखा चुका है। इस बिकवाली को कितना शॉकिंग देखना है या कितना सरप्राइजिंग देखना है? देखिए
जो खासकर आज हमारा सेटलमेंट है जैसा अनिल जी ने बताया, तो उसके चलते हुए आज थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हम यूएस के जो मार्केट्स हैं आज डाउ 500 पॉइंट्स ऊपर गिरा है, और वो ये देखते रहे कि फ्यूचर में कोई बहुत ज्यादा फ्यूचर्स में भी कोई रिकवरी अभी दिख नहीं रही है, मामूली बढ़त है फ्यूचर्स के अंदर। तो एसेंशली हम 200 पॉइंट नीचे फ्यूचर उसके 200 पॉइंट ऊपर चल रहे थे डाउ के, उसके सामने 500 पे अभी नीचे क्लोज हुए हैं, तो वो ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ जो वीकनेस मार्केट खराबी खुलेगा और शुरुआती दौर में काफी नीचे खुलेगा, बाद में इंटरडे रिकवरी थोड़ी संभव है। कारण पहले जान लें कि यूएस के अंदर जो कारण मार्केट गिरने का वो ये है, टेक्नोलॉजी स्टॉक में गिरावट, और वो इसलिए क्योंकि वहां पे जो पैकेज आना चाहिए था यूएस मार्केट्स में वो अभी तक फिजिकल जो पैकेज है वो डिले हो रहा है, कांग्रेस उसको पास नहीं कर रही है और ट्रंप के कहने के बावजूद, तो वो जो दिक्कत है वो एक इशू है। दूसरी बात यह है कि फेड के एक डायरेक्टर ने भी कल बोला वापस कि भाई इकोनॉमी में फिजिकल स्टिमुलस की जरूरत पड़ेगी दोबारा, और जुलाई के बाद कोई नया फिजिकल स्टिमुलस आया नहीं है तो वो बहुत आवश्यक है। तो ऐसे माहौल के अंदर जो दिक्कतें हैं इकोनॉमी की, वो पैसा भी लोगों को कंजम्पशन के लिए चाहिए, तो वो एक बड़ा कारण है कि वहां पे गिरावट का। और अंत में ये भी बात समझ में आती है कि जिस तरह से हैवीली कॉन्टेस्टेड है ये इलेक्शन, लगता है कि इसका जो 3 नवंबर का जो इलेक्शन होंगे उसका नतीजा इमीडिएटली डिक्लेयर भी नहीं होगा, ये वापस उसके अंदर जाएगा, कॉन्टेस्ट होगा इसको, और वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा जहाँ पे 8 जज हैं, और वो पहले से कह रहे हैं अपने ट्रंप साहब की वहाँ पे 9वें जज की जरूरत है बिकॉज ये कॉन्टेस्ट होने वाला है। तो जब ये इलेक्शन हुआ नहीं उसके पहले से कॉन्टेस्ट की बात कर रही है तो ये थोड़ी दिक्कत का विषय है, तो कोई क्लैरिटी निकल कर नहीं आएगी। अब कुल मिला के कई बातों की एक बात, जो अगर वहां पे स्टिमुलस पास हो जाता है जिस भी प्रेशर से हो तो रिकवरी आएगी, अगर स्टिमुलस पास नहीं होता है तो ये रिकवरी थोड़ी दिक्कत का वक्त दिक्कत की बात है आगे चलते हुए भी, और फिलहाल उसमें यही लगता है कि इसके चांसेस काफी कम है नियर फ्यूचर में पास होने के। बिल्कुल शर्मा जी, क्विक रिस्पांस आपका आज के लिए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी का दिन है, बाजार पर भी जानना चाहेंगे। और बुलियन मार्केट सोने चांदी की चाल जो है, हम भारी गिरावट देख चुके हैं, ब्रेंट क्रूड भी $41 के इर्द गिर्द घूम रहा है, एनर्जी पैक, बुलियन मार्केट, आज का बाजार, आपका आउटलुक क्या है? देखिए, ये देखते हुए कि डाओ सॉरी वहां का जो डॉलर इंडेक्स है वो फिर भी स्ट्रेंथ के पोजिशन में है, तो जो क्रूड के अंदर जो थोड़ी बहुत वहां पे बढ़त आई है वो कोई लंबी रहने लायक नहीं है, बिकॉज ओवरऑल अगर कंजम्पशन ऑयल का मुझे गिरता हुआ दिखता है, और हमारे यहाँ पे गोल्ड का भी गिरावट अभी भी जारी रहेगी, और अगर हम इसको देखें ओवरऑल मार्केट्स के अंदर तो डॉलर का असर ये रहेगा कि फार्मा और आईटी ये दो सेक्टर हैं जो रिलेटिवली अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इनकी रिलेटिव परफॉर्मेंस इस सेंस में होगी कि ये थोड़े कम गिरेंगे, इतना ही रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है, तो अदरवाइज थोड़ी गिरने की बात है, और जो लेवल्स अनिल जी ने बताए उन्हें को आप मान के चले, तो मैं समझता हूँ कि शुरुआती अगर आपको बेचना है तो आप शुरुआती दौर में न बेचें बिकॉज वो नीचे खुलेगा, तो आप उस दृष्टि से आप देखें। बिल्कुल शर्मा जी, सुबह सुबह समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका शुक्रिया। तो क्लियरली आप देखिए आज जो ट्रेडिंग लेवल्स आपको बताएंगे इस पर बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, 8 बजे से लगातार आपको जुड़ना ही है, हर लेवल्स को आप ध्यान से समझिए, ग्लोबल बाजार के से संकेत जो बदलते या फिर आगे पीछे होते हुए देखने को मिल रहे इस पर भी गौर कीजिएगा, ये राय फिलहाल आपके लिए। लेकिन अब जान लेते हैं कि खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा, खबरों वाले शेयर्स एक बार समझिए, पूजा त्रिपाठी से। पूजा, गुड मॉर्निंग बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, शुरुआत आज के ट्रिगर से पहले कर लेते हैं। आज से भारतीय इंफ्राटेल और जी एंटरटेनमेंट निफ्टी में आज आखिरी दिन होगा इन दोनों का, और कल से रिलीज लाइफ और एसबीआई लाइफ शामिल होंगे। इसके अलावा आरबीआई अपना ओएमओ ऑपरेशन यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन भी 10,000 का लॉन्च करेगा, और ग्रासिम और सीसीआई मामले में होगी। सीसीआई ने कंपनी में करीब 301 करोड़ का जुर्माना लगाया है, और इसके अलावा एलजी इक्विपमेंट्स आज 1:1 बोनस इशू।
आप नजर रखिए। प्राइमरी मार्केट से एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ का अपडेट आपको दे देते हैं। आज आईपीओ का आखिरी दिन है और दूसरे दिन आईपीओ करीब 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ। कैम्स आईपीओ की बात करें तो कल आईपीओ बंद हो चुका है और आईपीओ करीब 47 गुना भरा है कैम्स का। और कैमकॉन आईपीओ की बात करें तो ये भी आईपीओ कल बंद हो चुका है और आईपीओ करीब करीब 150 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो ये तो था प्राइमरी मार्केट का अपडेट। जेएमएम फॉडलर की ओएफएस का भी अपडेट आपको दे देते हैं। कुल ओएफएस अभी तक करीब 78% भर चुका है और रिटेल निवेशकों का लेकिन यहाँ पर सुस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला है। तो ये था जीएम फॉडलर का ओएफएस का अपडेट। कुछ खबरों की बात करें तो आज ओएनजीसी फोकस में रहेगा। सुबह सुबह खबरें सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है कि सूरत के ओएनजीसी प्लांट में अचानक गैस लीकेज से के कारण एक भीषण आग लगी है। कारण अभी पता लगाया जा रहा है और कितनी जानहानि हुई अभी इसकी भी डिटेल्स निकल कर नहीं आई है, लेकिन आज ओएनजीसी पर नजर रखिए। सन फार्मा कंपनी ने अपनी डायबिटीज की एक दवा रिकॉल कर ली है। एनडीएमए की मात्रा यूएस एफडीए में जो अनुमानित सीमा है उससे अधिक थी, जिसके कारण ये रिकॉल किया गया है। इंफ्रा रेलवे स्टॉक्स पर भी नजर रखिए। केवल भारतीय कंपनियां ही अहमदाबाद मुंबई का जो बुलेट प्रोजेक्ट है उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे और इसमें कुछ नाम भी निकल कर आए जिसमें कि एलएनटी, एनसीसी, जे कुमार इंफ्रा, ये तमाम कंपनी है जिन्होंने इस बोली में पार्टिसिपेट किया। कुछ कंपनियों ने कंसोर्शियम के जरिए यहाँ पर बोली में इस प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाई है। इसके अलावा इरकॉन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, करीब 400 करोड़ का ऑर्डर मिला है। जाइडस वेलनेस भी आज फोकस में रहेगा। क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस तय हो चुका है 1775 रुपये प्रति शेयर। क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस तय हुआ जिसके जरिए करीब 1100 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। रूट मोबाइल गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर खरीदारी करी है, करीब 4.5% की खरीदारी देखने को मिली है और अब जो कुल हिस्सेदारी है वो 5.2% पहुंच चुकी है। और आखिर में बात करते हैं फंड एक्शन की। टाटा केमिकल्स और टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों में ही टाटा सन्स की तरफ देखी गई है। टाटा सन्स में टाटा केमिकल्स में टाटा सन ने करीब 22 लाख शेयर्स की खरीदारी की है और टाटा मोटर्स में टाटा सन्स ने करीब 37 लाख शेयर्स की खरीदारी यहाँ पर उनकी तरफ से देखने को मिली। ओके पूजा, शुक्रिया ये जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज भारतीय इंफ्राटेल और जी एंटरटेनमेंट का निफ्टी में आखिरी दिन है। कल से डिविज लैब और एसबीआई लाइफ इनकी जगह लेंगे। शेयरों पर क्या असर होगा इस पर हमने एक रिसर्च तैयार की है, आइए एक बार देख लेते हैं। कुशल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, देखिए यहाँ पर जो है हमने पिछले 3 साल का ट्रेंड एनालाइज किया कि किस हिसाब से जब स्टॉक्स निफ्टी के बाहर निकलते हैं और जो एंटर करते हैं वहाँ पर किस हिसाब का मूवमेंट और प्राइस रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 25 तारीख से यानी कि कल से जो है वो डिविज लैब और एसबीआई लाइफ शामिल होते हुए नजर आएंगे और आज जो है भारतीय इंफ्राटेल और जी एंटरटेनमेंट का आखिरी दिन होगा। इनफैक्ट हमने जो एनालिसिस किया उसमें अगर आप देखें तो निफ्टी में शामिल होने वाले जो स्टॉक्स हैं वहां पर आपको 8 में से 7 स्टॉक्स में जो है आपको बिकवाली नजर आएगी। इनफैक्ट ये एक दिन पहले का डेटा है, जिस दिन ये निफ्टी में शामिल होंगे उसके एक दिन पहले का डेटा है और जिस दिन ये एक्चुअली बदलाव किए जाते हैं तो उस दिन भी हमें बिकवाली देखने को मिली। इनफैक्ट अगर आप देखें यहां पर जो ट्रेंड निकल कर आया है, आप देखिए 2018 से 2020 का डेटा हमने एनालाइज किया है जिसमें बजाज फिनसर्व, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, टाइटन, ये जितने भी स्टॉक्स हैं यानी कि एक दिन पहले अगर आप देखें बदलाव के तो यहां पर ऑलमोस्ट आपको गिरावट जो है, इनफैक्ट सभी स्टॉक्स में आपको नेगेटिव ट्रेंड ही देखने को मिला था जो भी इनका प्राइस रिएक्शन था। और सबसे ज्यादा फॉल जो है आपको श्री सीमेंट में देखने को मिली, करीब 4.5% की गिरावट यहां पर रही थी। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी में जिस दिन ये शामिल हुए थे उस दिन की अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी मेजरली आपको एक नेगेटिव रिएक्शन ही देखने को मिला। खासकर अगर आप श्री सीमेंट की ही बात करें इसमें भी तो 7.5% का फॉल यहाँ पर भी हमें देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बिल्कुल मानसी, हाँ जी जी आप कंटिन्यू कीजिए, जल्दी से बताइए आप क्या खत्म कीजिए, क्या कह रहे थे। बिल्कुल मानसी तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो स्टॉक्स पर्टिकुलरली निफ्टी के बाहर जा रहे थे तो एक दिन पहले जिस दिन ये निफ्टी के पहले निकल रहे थे उस स्टॉक्स को अगर आप देखें जिसमें अंबुजा सीमेंट, औरबिंदो फार्मा, बॉश, लुपिन,
ये सारे स्टॉक्स शामिल थे। यहाँ पर जो आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा है, आप देखिए बॉश में करीब 2-2.5% की तेजी हमें देखने को मिली, साथ ही येस बैंक इसमें भी 3.5-4% की बढ़त हमें देखने को मिली, यानी कि खरीदारी का ट्रेंड जो है इनमें देखने को मिला। और जिस दिन एक्चुअली ये स्टॉक्स जो है निफ्टी के बाहर निकलते हुए नजर आए, उस दिन भी आपको काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। मिसाल के तौर पर अगर आप अरबिंदो फार्मा देखें तो यहाँ पर हमें 6.5% तक की तेजी उस दिन देखने को मिली। तो ओवरऑल जो ट्रेंड नजर आ रहा है, जब एक्सक्लूड हो रहे हैं तो वहां पर तेजी आ रही है, पर जब इंक्लूड हो रहे हैं तो वहां पर हमें बिकवाली देखने को मिल रही है। बिल्कुल खुशहाल, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स आप देख लीजिए आनंद राठी की सिक्योरिटीज की राय बाटा इंडिया और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर है। बाटा में खरीदारी की राय 1380 के लक्ष्य को मानकर चले, 1320 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1385 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 1330 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। वहीं चॉइस ब्रोकिंग की राय मुथूट फाइनेंस पर है, खरीदारी की 1099 के टारगेट्स यहां पर आप देख पाएंगे, 1019 का स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा। इसके अलावा आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है, इस पर हमने सिमी अभौमिक से बात की और उनका मानना है कि यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स जो है उसमें टेक महिंद्रा बिकवाली की रणनीति आप अपनाकर यहाँ पर चल सकते हैं। 776 से 770 के टारगेट्स, पहला टारगेट 776, दूसरा टारगेट 770 का देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर जो है आपको लगाना होगा 810 का। वहीं CDSL इस स्टॉक में खरीदारी की राय ये दे रही है, कल के सत्र में आप देखिए एक्शन में था, इकाई के स्टॉक में बढ़त देखने को मिली, 2 से 3 दिनों का नजरिया ये दे रही है, होल्ड पोजीशंस को आप मेंटेन करके चल सकते हैं। 510 का पहला टारगेट आप देख पाएंगे, 525 का दूसरा टारगेट यहां पर देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस हालांकि आपको लगाना होगा 460, यहां पर स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूले। तो ये राय इनकी स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स के हिसाब से फिलहाल टेक महिंद्रा और CDSL पर आते हुए देखने को मिल रही है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।